దేశంలో అవినీతి పరులందరినీ సీబీఐ ఈడీ ఒకే పార్టీలోకి చేర్చిందన్నారు అరవింద్ కేజ్రీవాల్. తలపై తుపాకీ పెట్టి జైలుకి వెళ్తావా బీజేపీలోకి వెళ్తావా అని అడుగుతున్నారన్నారు. మోదీ దిగిపోయిన రోజే దేశంలో అవినీతి అంతమవుతుందన్నారు. బీజేపీ అధికారం నుంచి నిష్క్రమించిన రోజు ఆ పార్టీ నేతలు కటకటాల్లోకి వెళ్తారన్నారు కేజ్రీవాల్. सरकार में बहुत दिमाग लगाते थे और 70 में से 67 हैं हमारे पास, 3 इनके पास है, जब तक 4 रह जाएंगे मेरे पास तब भी मेरी मेजॉरिटी है, 3 इनके पास 4 भी अगर मेरे पास है मेरी मेजॉरिटी है तो ये कैसे सरकार गिराएंगे, मेरी पल्ले के बाहर था, मेरी समझ के बाहर था. लेकिन पत्रकार आते थे कहते थे अमित शाह लगा हुआ है और सरकार गिरा देंगे. 2017 में कोशिश कर ली, उसके बाद 2019 में कोशिश कर ली, 2020 में अब मत करना यार, इज्जत थोड़ी भी अगर इज्जत बाकी है अब मत करना. अभी मैंने देखा था तेलंगाना के अंदर नवंबर के फर्स्ट वीक में, आप लोगों ने देखा होगा, स्टिंग हुआ था वहां पे. भारतीय जनता पार्टी के 3 नेता तेलंगाना की सरकार गिराने के लिए वहां के एमएलए को खरीदने पहुंचे, 3 बीजेपी के नेता बैठे हैं, 4 बीआरएस के एमएलए बैठे हैं, उनके साथ बातचीत हो रही है, 3 घंटे बातचीत चली, सारी रिकॉर्डिंग हो गई. उसमें वो कह रहे हैं कि हमारे बीएल संतोष साहब मिलेंगे तुमसे, अमित शाह जी मिलेंगे तुमसे, और 50-50 करोड़ ऑफर कर रहे हैं, और बोले 25-25 करोड़ में हमने दिल्ली के खरीद लिए, अब दिल्ली की सरकार गिरने वाली है. केसीआर साहब का फोन आया उसी दिन शाम को मेरे पास, अरविंद जी मेरे पास पूरी इन्फॉर्मेशन है आपकी सरकार गिरने वाली है. मैंने कहा जी चिंता ना करो, ये यूं ही करते हैं, ये 3 साल से यूं ही करते हैं. तो वैसे रेट हमारे 25 लगा रखे, उनके 50 लगा रखे, ये गलत